बट एक मेरे से बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। हेलो जी, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और बहुत सारा अपना ध्यान रख रहे होंगे। सो गाइस, सबसे पहले देवठान की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। जो शुभ कार्य होते हैं वो आज से स्टार्ट हो जाएंगे सब, तो आपके लाइफ में भी सब शुभ ही शुभ हो। उसके साथ ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं गाइस। सुबह के 5 बज रहे हो, मैं 4 बजे से उठी हूँ। मैं डस्टिंग वगैरह कर रही हूँ, घर की साफ सफाई कर रही हूँ, पूजा करनी है मुझे नहा के, अभी तो काम पूरा पड़ा है मेरा। और गाइस, आज है देव उठानी मतलब एकादशी, तो आज के देव उठाए जाएंगे और आज ही के दिन से वो सारे कार्य जो शुभ कार्य होते हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे लाइक शादी वगैरह सब स्टार्ट हो जाएंगी। और शाम तक का ब्लॉग स्टार्ट करूँगा, अभी मुझे सामान भी लाना है देव उठानी का। और तुलसी पूजा भी है आज, आज भी कर सकते हैं, कल भी, बट मैं कल करूँगी क्योंकि दोनों चीज़ें करेंगे तो बहुत मैसी सा हो जाएगा। तो कल मैं तुलसी पूजा करूँगी और आज देव उठाने का वो जो पूजा होती है शाम को वो करूँगी, और सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। तो गाइस, अभी मैं मिलती हूँ आपसे पूरा घर का काम करने के बाद। अभी मैंने बेडशीट वगैरह है फिर चेंज कर दी है और डस्टिंग कर रही हूँ मैं इधर। और यहाँ पे देखिए, हमारी कीको मैया सो रही है यहाँ पे अभी, इसलिए मैंने यहाँ पे लाइट ऑन नहीं करी थी अभी, तो धीरे धीरे काम कर रही हूँ, उनको उठाना नहीं है मुझे। तो ये देखिए, सारे के सारे बच्चे को लेके सो रही है कीको, तो अभी इनको डिस्टर्ब नहीं करते हैं हम। ये देखिए, सारे के सारे सो रहे हैं, अब तो काफ़ी बड़े हो गए हैं और दूध पी रहे थे अभी। कीको मेरे साथ ही थी तो भी नींद आ रही है, इसको सो रही है अभी, तो बच्चे भी सो रहे हैं तो अभी इनको डिस्टर्ब नहीं करती हूँ मैं। अंदर से सारा काम करके लेके आती हूँ, तब तक वो क्या कहते हैं इधर का होगा तो दिन निकल जाएगा, तब उठाऊँगी इनको, अभी नहीं उठाती हूँ। लाइट कर देती हूँ ऑफ। सो गाइस, मैं मिलती हूँ आपसे काम करने के। सो गाइस, देखिए मैं आ गई हूँ यहाँ पे नहा धो के, तैयार हो के, तैयार तो नहीं हुई, बस सूट पहना है अभी मैंने। तो पहले सबसे पहले मैं काना को उठाई हूँ, झूले में झुलाया, और अब मैं नहलाने जा रही हूँ काना को, तो नए नीला विला के उनको तैयार करके तब पूजा स्टार्ट करूँगी मैं अपनी। तो मैं देखिए पानी गर्म करके लेके आई हूँ, यहाँ काना को नहला रही हूँ यहाँ पर। सो गाइज, यहाँ पे देखिए मैंने काना को नहला दिया है और ये पानी मैं गमलों में सिरा दूंगी, फेंकूंगी नहीं, और अब मैं अपनी पूजा करूँगी। तो यहाँ पे देखिए गाइज, मैं आ गई हूँ पूजा करने और पूजा मैंने अपनी स्टार्ट कर दी है, और अभी तो ऐसे ही करेंगे, शाम को देव उठाएंगे। तो अभी देखिए हाथ में जल लेके संकल्प लेना होता है, जब हमारा फास्ट होता है तो हम यहाँ पे संकल्प लेते हैं कि मैं आपका फास्ट कर रही हूँ, जो भी गलती हो जाए मेरे से माफ़ करें, और अपनी मनोकामना बोल के जल को ऐसे उंगलियों से गिरा दें। तो ये बहुत अच्छा होता है कि हम ब्रश से पहले ये करें, तो बहुत अच्छा होता है कि मतलब हमसे कोई गलती हो जाती है। और यहाँ पर देखिए, जब हम दिया जलाते हैं ना तब भी हमें घंटी के साथ जलाना चाहिए दिया, और जब हम प्रसाद चढ़ाते हैं वो भी हमें घंटी के ही साथ करना चाहिए, तो मैं वही कर रही हूँ। और यहाँ गाइस देखिए, मैं लगा रही हूँ तिलक। तो सबसे पहले जो विष्णु जी का हमने तिलक दिया निकाला है उसको लगाएंगे, और विष्णु जी को कभी भी ना रोली से तिलक नहीं करा जाता, या तो हल्दी हो या पीला वाला तिलक। तो मैंने पीला वाला सिंदूर मंगा रखा है चंदन, तो उसी का तिलक कर रही हूँ मैं, सारे भगवान को लगा दूँगी। अभी 6 बज रहे हैं और मैं 4 बजे से लग रही हूँ, अब जाके फ्री हुई हूँ थोड़ा सा। अब कपड़े चेंज करूँ क्योंकि शाम को भी मुझे यही पहनना है, कहते हैं कि पीला कपड़ा पहनना चाहिए, तो मेरे पास यही था तो मैंने ये सेट बना के पहना है। और गाइस, मेरे पास फ़ोटो भी नहीं थी आज मेरे विष्णु जी की, तो मैंने ऐसी पूजा करी है, फर्स्ट टाइम मैंने व्रत रखा है। मैं पूजा तो करती थी बट फास्ट नहीं रखती थी, आज मैंने फास्ट भी रखा है।
और जब हमारे पास फोटो नहीं होती है ना, तो हम जो इसके विष्णु जी के नाम का दिया जलाते हैं, हम इसी पे तिलक कर सकते हैं, उनके नाम का जो भी है प्रसाद चढ़ा सकते हैं उनको ध्यान में रख के। तो ऐसा ही मैंने किया है। तो बट एक मेरे से बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई कि विष्णु जी को जो भी है भोग वगैरह उसमें तुलसी जी के पत्ते चढ़ाए जाते हैं, बट आज एकादशी है तो आज तो हम पत्ते नहीं तोड़ सकते थे उसके, तो बस यही मेरे से गलती हो गई। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं कहीं से तुलसी के पत्ता चढ़ा सकूं, जो भी है माफ़ी मांगने के सिवाय मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। और यहाँ देखिए, ये मैंने पीला चंदन मंगाया था, शाम को तिलक करूँगी, विष्णु जी को रोली नहीं चढ़ाई जाती। और मैं जा रही हूँ गाइस सामान लेने। तो गाइस देखिए, यहाँ पे मेरा सामान आ गया है देव उठानी पूजा के लिए सारा। ये गन्ने हैं, ये फूल वगैरह, ये विष्णु जी की तस्वीर मिल गई है मुझे, मैं लेके आई हूँ जब तुलसी पूजा करेंगे। ये सारा सामान है ये सब चढ़ाने के लिए। तो मैं जा रही हूँ नहाने फिर से, और मैं मिलती हूँ फिर से आपसे। 4 बजने वाले हैं, तो उससे पहले पहले मुझे सब तैयारी करनी पड़ेगी पूजा की। तो मैं जा रही हूँ नहाने और मिलती हूँ मैं आपसे बाद में। भाई ये देखिए क्या तंग मचा रखा। सो फ्रेंड, देखिए मैं आ गई हूँ नहाने के बाद में, और यहाँ पे मैं कर रही हूँ जलवल डाल के अपना फ्रश साफ, क्योंकि मुझे यहाँ देखिए ये इतना परेशान करते हैं मुझे। जलवल डाल के मैंने साफ़ कर लिया है, और मैंने यहाँ पे बनाना शुरू कर दिया है। बहुत जल्दी जल्दी बनाऊँगी मैं, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, और 5:30 बजे 6 बजे तक अभी दिन छिप जाता है, तो उसके बाद हमें तुरंत पूजा करनी होती है, अपने देव जगाने होते हैं। तो यहाँ पर मैं फटाफट बना लेती हूँ। और गाय से कि ये बन गया है, काफ़ी देर लगी मुझे, 1 से 1.5 घंटा लगा। मेन गेट पर भी बनाया है मैंने, जितने भी शुभ चिन्ह थे मैंने सब बना दिए, स्वात्विक और तुलसी जी बना दी, कमल बना दिए सब। तो और इसमें हम अब रख लेंगे अपना सारा सामान, जो सीजन की सब्जी फल सब होते हैं वो सब रख लेंगे। यहाँ पे मैं परात तैयार कर रही हूँ, जो मैं ढकूंगी इसको, जो देव सुलाएंगे तो परात से ढक के जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखी पूरी तैयारी कर दी है, दिए वगैरह घी डाल के बत्ती बना के सब तैयार कर दिया है पूजा करने के लिए। और मैं अभी दिखाती हूँ आपको मेन गेट से मैंने कैसे सजाया। तो यहाँ पे देखिए जितना मेरे से जल्दी जल्दी हो सका गाइस, इतना मैंने जल्दी जल्दी अपना कर दिया ये। और ये देखिए, ये 5-5 बिंदी लगाई है मैंने हर गेट पर, जितने भी अपने घर में हमारे गेट होते हैं ना, उतने हमें लगानी होती है 5-5 बिंदी, बहुत शुभ होती है। और यहाँ पे अब देखिए गाइस शाम हो गई है, मैं कर रही हूँ अपनी पूजा स्टार्ट। तो गाइस बने रहिएगा वीडियो में। उठो देव बैठो देव पाटकली चटकाओ देव, आषाढ़ में सोए देव कार्तिक में जागे देव, आषाढ़ में सो गाइस, जब हम देव जगाते हैं ना, तो अपने घर के लड़कों के सारे सबके नाम लिए जाते हैं, और थाली बजाई जाती है। ओड़े खोड़े धरे अनार जिए विपिन तेरे यार, ओड़े खोड़े धरे अनार जिए ओम तेरे यार, ओड़े खोड़े धरे अनार जिए वीर तेरे यार, ओड़े खोड़े धरे चपेटे जिए भावना तेरे बेटे, ओड़े खोड़े धरे चपेटे जिए सुमन तेरे बेटे, ओड़े खोड़े धरे चपेटे जिए मीना तेरे बेटे, ओड़े खोड़े धरे अंजीर जिए सगुन तेरे वीर, ओड़े खोड़े धरे अंजीर जिए मनसा तेरे वीर, ओड़े खोड़े धरे अंजीर जिए कुमकुम तेरे वीर। सो गाइस, यहाँ पे ऐसे सबके नाम लेते हैं, मैं सबके नाम लेती तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती। और ऐसे थाली बजा के और हम अपने देवता को उठाते हैं। सो आज 4 महीने की निद्रा से हमारे देव उठ गए हैं, तो आज से ही सारे शुभ कार्य स्टार्ट हो जाएंगे, शादी ब्याह सब स्टार्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे देखिए फिर से मैं धूप वगैरह दिखा रही हूँ, और जल फेर दूँगी इस पर, और जल को सिरा दूँगी वहाँ पर। तो हमारे देव उठ गए हैं। उठो देव बैठो देव पाटकली चटकाओ देव, उठो देव बैठो देव पाटकली चटकाओ देव, आषाढ़ में सोए देव कार्तिक में जागे देव, आषाढ़ में सोए देव कार्तिक में जागे देव, कोरा
सो गाइस पूजा संपन्न हो गई है मेरी, और देखिए यहाँ से मैं अब ये जो प्रसाद है इसे हटाऊंगी, और देव जो हमने बनाए हुए हैं इन्हें कल रिमूव करेंगे, एक साथ नहीं करते। जो जितने फल वगैरह चढ़ाएं तो इन्हें हम प्रसाद के रूप में खा लेंगे, और अनाज जो है या तो आप किसी को दे दें, दान कर दें इसे मैं और मिला के, या फिर चिड़िया और कबूतरों को मिला खिला दें। और गाइस इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे प्यारे से नेक्स्ट ब्लॉग में जो होने वाला है तुलसी विवाह का, तो ज़रूर देखिएगा। टेक केयर, बाय।